आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,000 प्लस वैकेंसी ऑनलाइन अप्लाई हुए। ऑनलाइन अप्लाई के बाद आप लोग के रिटर्न एग्जाम की डेट दे दी गई 17-18 फरवरी 2024 में आप लोग का रिटर्न एग्जाम होना था। 17-18 फरवरी 2024 में आप लोग का रिटर्न एग्जाम हो गया जी। 17 फरवरी 2 शिफ्टों में, 18 फरवरी 2 शिफ्टों में आप लोग का रिटर्न एग्जाम हुआ। लेकिन 17 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट के रिटर्न एग्जाम के बाद व्हाट्सएप टेलीग्राम पे कुछ नोटिस और स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे, जिससे कि ऐसा लगने लगा कि पेपर लीक हो गया है। और ये न्यूज काफी तेजी से वायरल हुई। इसके बाद सेकंड शिफ्ट का आप लोग का रिटर्न एग्जाम हो गया और इसके अलावा 18 में भी आप लोग का रिटर्न एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का ले लिया गया। सेकंड शिफ्ट के रिटर्न एग्जाम के बाद, 18 सेकंड शिफ्ट के रिटर्न एग्जाम के बाद जब उसके पेपर को देखा गया तो वैसा ही पेपर टेलीग्राम पे 17 फरवरी 2024 में वायरल हो रहा था जी हाँ, जिससे कि ये कंफर्म हो गया कि आपका पेपर यहाँ पे लीक हुआ है। और इसके बाद से यही डिमांड होने लगी, जी हाँ, ये मांग होने लगी कि आपके पेपर को रद्द किया जाए जो 17-18 में आप लोग का एग्जाम हुआ है, और एग्जाम को फिर से करवाया जाए। जी हाँ, ये मांग काफी तेजी से बढ़ने लगी और काफी न्यूज यहाँ पे वायरल हो रही है। इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, प्रूफ भी काफी इकट्ठे हो चुके हैं यहाँ पे कि आपका जो पेपर पूरी तरीके से लीक है। न्यूज़पेपर में आप लोग की जो है न्यूज आ रही है, इसके अलावा मीडिया में हर तरफ आप लोग की ये न्यूज चल रही है, पेपर लीक हुआ है। जी हाँ, बहुत ज्यादा प्रूफ आप लोग के वीडियोस के माध्यम से वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप वगैरह पे भी काफी प्रूफ यहाँ पे दिए गए। और मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, पेपर लीक की एक बहुत बड़ा प्रूफ मैं आप लोग को यहाँ पे देने वाला हूं, जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि पेपर आप लोगों का लीक हुआ है। जी हाँ, इससे बड़ा सबूत शायद कोई और नहीं हो सकता। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसकी जानकारी लग सके और सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। इससे बड़ा प्रूफ और कुछ नहीं होगा, जिससे कि आपके एग्जाम को दोबारा से रिकंडक्ट, जी हाँ, री एग्जाम कराने में काफी मदद मिलने वाली है न्यूज। जी हाँ, आप लोग देखेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी कैंडिडेट पेपर को कैंसिल करवाने और री एग्जाम करवाने में लगे हुए हैं, सभी की मदद यहाँ पे होनी चाहिए। जी हाँ, उन 50 लाख कैंडिडेट्स की मदद होनी चाहिए जो कि रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और रिटर्न एग्जाम देने आए थे दूर दूर से। जी हाँ, कई स्टेटों के बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने के लिए आए थे। चलिए, ये बात अभी बाद में करते हैं, पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आप लोग की पेपर लीक की न्यूज। जी हाँ, मैनपुरी के दूसरे दिन पुलिस भर्ती का पेपर लीक। जी हाँ, ये न्यूज पेपर की कटिंग है, कोई एडिट की हुई नहीं है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मैनपुरी में दूसरे दिन पुलिस भर्ती का पेपर लीक। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीजें बताई जा रही हैं और आप लोग देख सकते हैं, विभाग के लोग, जी हाँ, दो पुलिसकर्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बीच में एक कैंडिडेट है। जी हाँ, आप लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा की रविवार की द्वितीय पाली का पेपर लीक हुआ था। एक अभ्यर्थी से नकल की पर्ची पकड़ी गई, यानी कि एक अभ्यर्थी से नकल की पर्ची पकड़ी गई है एग्जाम देते हुए और FIR वगैरह सब कुछ हुआ, यानी कि इससे बड़ा तो प्रूफ है ही नहीं। विभाग के पास खुद अपने उनके खुद के पास प्रूफ पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, नकल की पर्ची पकड़ी गई थी। पर्ची पर पेपर में आए प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए थे, परीक्षार्थी के खिलाफ दर्ज FIR में ये तथ्य है, यानी कि जो अभ्यर्थी था उसके पास पेपर की पर्ची पकड़ी गई, सभी आंसर्स उसमें लिखे हुए थे और उन आंसर्स को वो OMR शीट में भर रहा था और उसने कबूल किया है कि ये पेपर काफी पहले उसके पास मोबाइल में आ गया था। तो यदि सभी सभी बातों को दूर रखा जाए तो ये जो न्यूज है, ये न्यूज ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, जो ये न्यूज पेपर की कटिंग है, यही कटिंग काफी है एग्जाम को दोबारा से करवाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा स्वीकार किया गया, यहाँ पे इस कैंडिडेट के द्वारा स्वीकार किया गया है, ये पेपर मेरे पास आ गया था। तो इससे बड़ा प्रूफ तो कुछ हो ही नहीं सकता, सरकार के पास खुद प्रूफ है, आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, दो पुलिसकर्मी हैं और बीच में जो अभ्यर्थी है, आप लोग देखेंगे, अभ्यर्थी के खिलाफ FIR भी हो चुकी है। जी हाँ, FIR भी हो चुकी है। तो इससे बड़ा तो प्रूफ है ही नहीं, मीन्स
यहाँ पे पेपर आउट हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर है और विभाग को भी पता है। इसमें आप लोग देखेंगे परीक्षार्थी के खिलाफ दर्ज FIR में यह तथ्य है और पता नहीं है, तो अब पता चल जाएगा। जी हाँ, आप लोग देखेंगे परीक्षार्थी के खिलाफ दर्ज FIR में यह तथ्य है। बताया जा रहा है कि पेपर शुरू होने से 1 घंटे पहले अभ्यर्थी के मोबाइल पर उत्तर आ गए थे और पता नहीं कितने कैंडिडेट्स के पास इस प्रकार से उत्तर गए होंगे, कितनों ने एग्जाम दे दिया होगा। ये तो नहीं कि सभी पकड़े गए होंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं है सभी पकड़े गए हैं। पहले अभ्यर्थी के मोबाइल पर उत्तर आ गया था। पुलिस का कहना है कि पर्ची में कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखे थे। भर्ती बोर्ड को पूरा मामला भेजा गया है। जी हाँ, भर्ती बोर्ड को पूरा मामला भेज दिया गया है। यदि उनके पास अभी तक जानकारी नहीं थी तो अब जानकारी लग जाएगी। जी हाँ, जानकारी लग जाएगी। विभाग के लोगों ने बिल्कुल, यहाँ पे आप लोग देखेंगे FIR वगैरह यहाँ पे दर्ज हुई है, तो अब आप लोग के री एग्जाम को कोई नहीं रोक सकता, पेपर कैंसिल करने को कोई नहीं रोक सकता। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, री एग्जाम होगा। यानी कि जो सबूत हमने अभी तक दिखाए हैं वीडियो के माध्यम से वो सब कुछ सही है और उसमें एक स्ट्रांग चीज आप लोग की ये पेपर की कटिंग है। जी हाँ, ये स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग न्यूज है आप लोग की। यानी कि विभाग के पास खुद अब उनका प्रूफ पहुंच चुका है, FIR की कॉपी पहुंची होगी पूरी डिटेल। जी, भर्ती बोर्ड को पूरा मामला भेजा गया है, पुलिस भी जांच कर रही है, परीक्षार्थी को जेल भेज दिया गया है। तो ये परीक्षार्थी बहुत बड़ा सबूत है, 1 घंटे पहले इसके मोबाइल पर आया है। यानी ऐसे कितने बच्चों के पास गया होगा ये कहा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो यदि सभी प्रूफ जो सबूत हमने अभी तक दिखाए हैं उसे गलत मान भी लिया जाए तो ये सबसे बड़ा सबूत आपके पास है न्यूज़पेपर में, और इसके खिलाफ जो FIR हुआ है ये कैंडिडेट खुद सबसे बड़ा सबूत है। जी हाँ, ये कैंडिडेट खुद सबसे बड़ा सबूत है जो कि ये कबूल रहा है। जी हाँ, कि बताया जा रहा है कि पेपर शुरू होने के 1 घंटे पहले अभ्यर्थी के मोबाइल पर उत्तर आ गए थे। पुलिस का कहना है कि पर्ची में कुछ प्रश्न के उत्तर लिखे थे। भर्ती बोर्ड को पूरा मामला भेजा गया है, पुलिस भी जांच कर रही है, अभ्यर्थी को जेल भेज दिया गया है। डॉक्टर किरण सजोजिया सीनियर सैनिक सेकेंडरी में 4:10 बजे परीक्षार्थी रवि सिंह निवासी भोजपुर बिहार को नकल करते कक्ष निरीक्षक ने पकड़ लिया था। तो ये सबसे बड़ा सबूत है। जी हाँ, कक्ष निरीक्षक ने पकड़ा था, वह पर्ची से देखकर OMR सीट भर रहा था। तो वो पर्ची कहां से आई है, यानी कि पेपर आउट हुआ है उसी की ही तो पर्ची है। कक्ष निरीक्षक सुल्तानगंज ब्लॉक के प्रमुख विद्यालय सूरजपुर में कार्यरत सहायक अध्यापक विनीश कुमार ने धारा 4 और 10 परीक्षा अधिनियम 1982 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि रवि प्रकाश सिंह के पास मिली पर्ची का मिलान करने पर पाया गया कि प्रश्न पत्र के सभी उत्तर लिखित में थे। या लिखित में थे, बिल्कुल मिलान किया गया। आरोपित ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार भी किया है कि दिन में करीब 1 बजे उसके मोबाइल पर सॉल्व पेपर आ गया था। बताइए, अभ्यर्थी खुद बोल रहा है मेरे पास पेपर आ गया, मींस इससे बड़ा सबूत कुछ हो ही नहीं सकता। वह सभी उत्तर की पर्ची को आस्तीन में छुपाकर परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचा, उसने नकल शुरू ही की थी कि पकड़ा गया। तो यानी कि इस कैंडिडेट के द्वारा बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है कि 1 बजे ही उसके पास जो है पेपर आ गया था, और जो पेपर वगैरह ठीक है उसकी पर्ची वगैरह वो लेकर के एग्जाम सेंटर में गया, एग्जाम नकल करने की कोशिश कर रहा था, OMR सीट भर रहा था, लेकिन वो पकड़ा गया और इसके खिलाफ FIR भी हुई है। तो यानी कि इससे बड़ा पुख्ता सबूत कुछ और हो ही नहीं सकता, जब कैंडिडेट खुद कह रहा है मेरे पास पेपर आया है। यानी कि इस प्रकार से पेपर पता नहीं कितने लोगों के पास पहुंचा होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है, ये सबूत बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो अब आपके री एग्जाम को कोई नहीं रोक सकता। ये सबूत आपके जो आंदोलन, जिस पेपर को एग्जाम को आप लोग कैंसिल करवाने में लगे हुए हैं, बहुत 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 मददगार साबित होगा। तो 1 लाइक बनता है, चैनल को नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी के पास जो है ये पर्ची पहुंच सके, सभी के पास ये न्यूज पहुंच सके। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो टाइम पर। जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।